बेबी जी, जी सारे काम हो गए, खाना अकबर लगा देगा। ठीक है बुआ, आपका बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही है बीबी जी, आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है, पर माफ करें, ना तो ठीक से मैं फर्ज अदा कर सकी और ना ही अपना नमक हलाल कर सकी। आप क्या कह रही हैं बुआ? बीबी जी, दिल पर बड़ा बोझ है, जो बातें मुझे आपको बतानी चाहिए थी वो आपको नहीं बताई मैंने। और बताना मेरा फर्ज था, उनके लिए माफ कर दे जो मैं किसी मजबूरी की वजह से आपको बता ना सकी। भाई आप क्या कर रही हैं, आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीबी जी, वो मैं ना गांव वापस जा रही हूँ, रोहित की दादी बीमार है और मेरा भाई भी, बीवी भी नहीं है उसकी, गुजर गई थी, तो सोचा इस दुख में जाकर उनका सहारा बन। लेकिन बुआ आप इस तरह से। बीबी जी, अकबर अब काफी सीख चुका है और बड़ा अच्छा खाना बनाता है, और ऊपर के काम के लिए आप कोई और मुलाजमा रख लें। पर बुआ आपकी बात और है, आप इस घर को इस तरह से संभालती हैं जैसे आपका अपना घर है। और अम्मा, मैं, मेरा तो यहां कोई नहीं है ना तेरे सिवा। तेरा तो बल्ला वारिस है, और वैसे भी इस बच्चे की वजह से बीबी जी तुझे अपने साथ रख रही हैं, अपने घर का फर्द बनाकर, और तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगी, पता है मुझे। और अल्लाह पाक बीबी जी को भी हर बुराई और तकलीफ से दूर रखे। आमीन। वैसे मैं बता दूं, ज्यादती करी है तू, इस वक्त सिर्फ अपने भाई और सास का सोच रही है, और मेरा क्या, मुझसे भड़कर है तुझे ये सब कुछ? नहीं, तेरे से भड़कर कुछ नहीं। तो फिर? अब तू बड़ी हो गई है, खुद मुख्तार हो गई है, अपने सारे फैसले खुद कर सकती है। ऐसे ना कह अम्मा। मैं अब फैसला कर चुकी हूं, अब मुझे जाना, और फिर भी अगर तुझे अपनी माँ की याद आए तो पता मालूम है, चली आना। पर अम्मा, बुआ मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, अभी शाम तक तो आपका ऐसा कोई इरादा नहीं था और अब एकदम से। बस बीबी जी, अचानक ही फैसला हुआ है मेरा, बताना चाह रही थी मगर बता नहीं पाई। बुआ मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं रोक सकती, लेकिन मैं आपके लिए जरूर कुछ करना चाहूंगी। नहीं बीबी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पहले बहुत एहसान आते मुझ पर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दे, जो मैं कहना चाह रही थी वो मैं कह ना पाई। वो आप प्लीज बस कर दें, आपने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी है, ओके?
मैं बस अभी 5 मिनट में आ रही हूँ।